नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। हर किसी का वक्त आता है जो एक बार सुपर हिट हो गया, जरूरी नहीं वो हमेशा सुपर हिट बना रहे। बॉलीवुड की दुनिया ऐसी ही है, कब कौन सुपर हिट और कब कौन फ्लॉप हो जाए, यहाँ कोई किसी का भविष्य नहीं जानता है। बॉलीवुड की दुनिया को सपनों की दुनिया कहा जाता है, और भला सभी के सपने पूरे कहाँ होते हैं। एक समय था जब गोविंदा को बॉलीवुड का सुपरस्टार माना जाता था, पर आज कुछ भी पहले जैसा नहीं है। गोविंदा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, पर आज गोविंदा का ये मानना है, जब वो देर से फिल्म की शूटिंग में पहुंचते थे तो फिल्म सुपरहिट होती थी, पर आज जब वो समय से पहले ही शूटिंग पर पहुंच जाते हैं तो फिल्म रिलीज होने का नाम तक नहीं लेती है। वैसे बॉलीवुड की माया नगरी कुछ ऐसी ही होती है, आज के सुपरहिट स्टार को कल फ्लॉप भी होना पड़ सकता है। गोविंदा कॉमर्स में ग्रेजुएट थे और नौकरी के लिए कई जगह गए, और ताज में तो उन्हें नौकरी के लिए रिजेक्ट भी कर दिया गया था, पर गोविंदा की किस्मत में तो हीरो बनना लिखा था। उन्हें 80 के दशक में पहले 11 नाम की एक कंपनी का विज्ञापन मिला, और जल्द ही तन बदन फिल्म में हीरो बनने का मौका भी मिला। हीरोइन थी दक्षिण की खुशबू, फिल्म लव 86 से जो उन्हें कामयाबी मिलनी शुरू हुई, वो 90 का दशक आते आते वो इंडस्ट्री में छा गए। 90 के दशक में तीनों खानों के अलावा अगर कोई था जो बॉक्स ऑफिस पर उनका मुकाबला कर सकता था तो वो था गोविंदा। एक समय था जब गोविंदा की साल में 8 से 9 फिल्में तक रिलीज होती थी और पैसा भी कमाती थी। उनकी कमाल की कॉमिक टाइमिंग, खास डायलॉग और पंच लाइन जो उनके लिए ही लिखे जाते थे, उनके रंग बिरंगे चटकदार कपड़े, कमाल का उनका डांस, ये सब काफी थे बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने के लिए। ना तो वो आमिर खान की तरह चॉकलेटी हीरो थे, ना सलमान की तरह उनकी बॉडी थी, ना शाहरुख की तरह रोमांटिक इमेज, और ना ही अक्षय कुमार जैसा एक्शन। फिर भी गोविंदा का अपना अलग ही स्वैग था, या कहिए उस समय उनका अच्छा वक्त चल रहा था। उनकी कॉमिक टाइमिंग ऐसी थी कि जब 1998 में फिल्म बड़े मियां छोटे मियां आई तो बहुतों को ऐसा लगा कि गोविंदा ने अमिताभ बच्चन तक को पछाड़ दिया है। निजी जिंदगी की बात करें तो गोविंदा ने करियर के शुरुआती दिनों में ही सुनीता से लव मैरिज कर ली थी, लेकिन एक साल तक उन्होंने इस शादी को छिपाए रखा क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद इससे उनकी लोकप्रियता पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आम लोगों के लिए हीरो बने गोविंदा। गोविंदा धीरे धीरे आम लोगों के हीरो बन गए, लेकिन उनकी ये खासियत उनकी कमजोरी भी बन गई। डेविड धवन और पहलाज निरानी जैसे निर्देशकों का साथ तो उन्हें मिला, पर यश चोपड़ा, करण जौहर, सुभाष गई जैसे निर्देशकों के साथ वो कभी काम नहीं कर पाए। साल 2000 के बाद से जहां शाहरुख, आमिर, सलमान, ऋतिक का सितारा बुलंद होने लगा, गोविंदा खुद को रीइन्वेंट नहीं कर पाए और रेस में पिछड़ गए। साल 2004 में राजनीति में गए, पर वहां भी 2008 तक आते आते मैदान छोड़ दिया। मणि रत्नम की रावण जैसी फिल्म भी उनके करियर को उभार नहीं सकी, हालांकि उन्होंने स्वर्ग और हत्या जैसी फिल्मों में गंभीर रोल किए हैं और उनकी तारीफ भी हुई थी। गोविंदा की सबसे बड़ी गलती थी उनका लेट आने का अंदाज। हालांकि बतौर हीरो कई लोग इसे गोविंदा का स्टाइल मान सकते हैं, लेकिन महंगे सेट और यूनिट का खर्चा निकालकर काम कर रहे निर्माता इस आदत से परेशान हो जाते थे। कई मैगजीन्स के अनुसार चीची सेट पर घंटों की देरी से पहुंचते थे और इसके चलते बड़े बैनर उनके साथ काम करने से कतराते थे। फिल्मी दुनिया के जानकार बताते हैं कि गोविंदा ने अपने करियर को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। जिस दौर की गोविंदा की फिल्मों को देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, उन फिल्मों के डायरेक्टर गोविंदा के नखरों से जुड़े रहते थे। सेट पर वक्त से नहीं पहुंचने के अलावा गोविंदा का मूड भी तेजी से बदल जाता था, और इसी दौरान उनके कई लोगों से झगड़े भी हुआ करते थे। साल 2008 में एक फैन को मारा थप्पड़ तो उन्हें इतना भारी पड़ गया था कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी पड़ी थी। फिल्मी जानकार मानते हैं कि गोविंदा पर फ्लॉप होने का टैग भी लग गया है। पार्टनर के बाद से उन्होंने दर्जन भर फिल्मों में काम किया, लेकिन वो एक भी हिट नहीं दे पाए। यहां तक कि उनकी रणवीर सिंह के साथ बनी फिल्म किल दिल भी फ्लॉप ही हो गई थी। आदित्य चोपड़ा के साथ बनी फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स ने गोविंदा से जैसे किनारा सा कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।